तो ये है यहाँ का फेमस आलू भात। ऐसा खरी बात है कि इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही। आलू भात के साथ यहाँ पे अंडे भी मिलते हैं। सर्दी में अंडे जबरदस्त कॉम्बिनेशन, वैसे तो हमेशा मिलता है यहाँ पे, बट सर्दी में खाना अच्छी बात है। साथ में दालचा कद्दू का एक प्लेट आलू भात, साथ में कद्दू का दालचा कद्दू भी है और अंडे के साथ। यहाँ पर जो है आप लोगों को एक प्लेट अगर अंडे से होना है तो अंडे के साथ देते, अंडे के पैसे एक्स्ट्रा है, वो क्या है आप लोगों को ये ख़त्म होने के बाद बताता हूँ। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मनी वीडियो। पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और जो भी लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि लास्ट वाले व्लॉग में भी काफ़ी टाइम से बोल रहा था मैं मिशन 10K जल्दी जल्दी से करो, 10K कम्प्लीट करना है। तो आज जो है सुबह में नाश्ता भी कर रहे हैं हम लोग, दोपहर का लंच भी हो रहा है, काफ़ी टाइम से शाम में बाहर नहीं निकले थे तो आज थोड़ा सा हम लोगों के पास टाइम है, टाइम मिला तो इनको जो है भूख लगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। वालेकुम सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दिनों के बाद रात में निकले सुहेल भाई। थोड़ा आज जरा टाइम निकला, मैं बोला जरा जाके आएंगे, तो क्या हुआ भूख लगी बोले? और थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी। हाँ, तो कहाँ जाना है? आलू बात है, कितना कुछ तो फेमस। ओके, वो ट्राई करेंगे, बोला था। तो गुलबर्ग में एक रात में मिलने वाला आलू बात है जो कि काफी फेमस है और काफी सारे लोग इसको जानते भी हैं, हिडन जेम ऑफ गुलबर्ग इसको भी बोल सकते हैं हम लोग। तो आप लोग व्लॉग में बने रहो, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सारी डिटेल्स आप लोगों को बताता हूँ। क्या हुआ ये बंदा, कितना खुश दिख रहा, क्या हुआ तुम्हारा? अरे खुशी की बात नहीं है, भूख लग रही, जल्दी चलो खाएंगे कहते। तो अब हम लोग जो है कौन सा बोलते इसको, महबूबनगर। देखो भाई एग्जैक्ट इसकी लोकेशन मेरे को नहीं मालूम क्या बोलते, अंदर होटल में बात करा के वहीं से मालूम कराता हूँ। ये जो होटल है हाजीबो होटल के नाम से, क्या तो भी फेमस है, काफ़ी पब्लिक रहती है। अभी तो जस्ट कुछ देखो ऑलरेडी पब्लिक चालू हुई है, जैसा रात होती जाती पब्लिक बढ़ते रहती। तो यहाँ पे भाई भी पार्सल लेके जा रहे हैं, तो हम लोग भी यहाँ पे ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे कैसा है। तो ये है यहाँ का फेमस आलू भात। ऐसा खरी बात है कि इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही, अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स है। हाँ, तो ये है हाजी भाई का फेमस आलू भात, खरी बात है कि खुशबू, और ये आलू भात में आलूआ देखने में मिल रहे हैं, यहाँ पे देख लो आलूआ। अभी मैं प्लेट लेने के बाद आप लोगों को बताता हूँ। आलू भात के साथ यहाँ पे अंडे भी मिलते हैं, सर्दी में अंडे ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, वैसे तो हमेशा मिलता है यहाँ पे, बट सर्दी में खाना अच्छी बात है। साथ में दालचा कद्दू का, यहाँ का दालचा फेमस, कद्दू का दालचा। तो ये देखो अभी अंडे को लगा, हाँ लगा लगा, एक प्लेट आलू भात, साथ में कद्दू का दालचा कद्दू भी है और अंडे के साथ। तो उबेद की फरमाइश पर रात में खाना खाने के लिए बाहर निकले सो है, और ये पहला ऐसा आलू भात है जिसमें आलू के टुकड़े, मतलब बड़े बड़े आलू मिले। इससे पहले भी आप लोगों को काफ़ी सारे बताया होंगे आलू भात, बट ऐसा आलू नहीं थे, इसमें पूरा आलू है और साथ में अंडा है मसाले के साथ। माशाल्लाह, दालचा भाई ऑन पॉइंट बोल सकते हैं। माशाल्लाह, यहाँ पर जो है आप लोगों को एक प्लेट अगर अंडे से होना है तो अंडे के साथ देते, अंडे के पैसे एक्स्ट्रा है, वो क्या है आप लोगों को ये ख़त्म होने के बाद बताता हूँ। तो उबेद देखो दालचे में कद्दू नहीं है बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? जी मेरे कद्दू बाद में क्या हुआ, इतने बड़े कद्दू नहीं दिखे, देखो कितने हैं कद्दू, हाँ दाल में नहीं दिखे, प्लेट में दिख रही है। और ये आलू भात में आलू भी देखे ना कैसे हैं बड़े बड़े, आलू भी हैं अंडा भी है। भाई जो है चम्मच से खा रहे, बट मैं भी खा रहा था, बट वो बोलता ना हाथ से खाने का जो मज़ा है ना वो अलग लेवल का है, कि चमचों में वो मज़ा नहीं आता। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बोला, ये आलू भात में आलू भी है जो कि पूरे अच्छे बड़े बड़े पीसेस है, और ये आलू भात को आप जैसा जितना खाते जा रहे हैं उतना मज़ा आ रहा है। उसका रीज़न ये जो कद्दू का दालचा है ना भाई, नेक्स्ट लेवल है माशाल्लाह, मस्ट ट्राई इट। और अच्छा कद्दू का दालचा, अच्छा ठीक है, गाढ़ा है, अच्छा गाढ़ा है, बहुत मज़ेदार दालचा जो है ना, हर जगह कैसा रहता, पानी पानी रहता, यहाँ वैसा नहीं है, इसमें ज़्यादा दम है।
क्या हुआ कहाँ गए सहेल भाई? जल्दी बर्खास्त हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त था, कंट्रोल नहीं कर सकते थे, खत्म हो गया। मेरे ज्यादा भूख लगी सा दिख रहा था। नहीं भूख तो अल्हम्दुलिल्लाह पेट फुल हो गया। अब यहाँ चाय के साथ ये सॉरी आलू भात के साथ डिकाशन भी मिलती कहते डिकाशन भी मिलती, डिकाशन बेस्ट है। खलास अब हमारे को एक तीर दो निशाने हुए, दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह सब चीजें मिल गई, खत्म खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है मेरा तो आलू भात खत्म हो गया, मेरा खाना इनका अभी चालू है। कौन सी प्लेट है, दूसरी है तीसरी है? अभी तो फर्स्ट ही है, पहली चाय मतलब अभी है, इसके बाद आने वाले। नहीं नहीं लियो, भूख लगी ना, बस पेट भर गया, भर गया क्या? छोटा थे हमारा पेट, जल्दी भर जाता। ठीक है चलो खैर, तो अब मेरा तो खाना हो गया, तो जरा अंदर जाएंगे। अंदर जाके जो है कितने साल पुरानी है, प्राइस क्या है अंडे के साथ और बगैर अंडे के क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। उसके बाद जो है ब्लैक टी पीना है ना, उसके बाद ब्लैक टी पीएंगे, काफ़ी अच्छी रहती। तो अब जो है खाना तो हो गया, अंदर जाके बात करना है बुलाता हूँ। बात करने से पहले थोड़ा सा ब्लैक टी हो जाए, और यहाँ ब्लैक टी सब अच्छी मिलती है बुलाता हूँ। माशाल्लाह भाई ये पीना की चीज़ है, एक बार पीना खाली याद रखते हैं आप लोग। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, शुगर परफेक्ट है एकदम। यहाँ पे देखो कंटिन्यू मेहनत चली गई क्योंकि पब्लिक बाहर है, कंटिन्यू जो है चल रहे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? आपका नाम बोलिए। अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार साहब, ये जो होटल है हाजी भाई के होटल के नाम से फेमस है। हाँ। कितने साल पुरानी है ये? 40 साल पुरानी होटल है। हाँ, यहाँ पे डेली कितना जाता है? 20-25 किलो जाता है डेली। 20-25 किलो आप ही बनाते? हाँ मैं ही बनाता। कैसा प्लेट है ये? बिना अंडे का 30 रुपये, अंडे के साथ मिले 40 रुपये, मतलब अंडा 10 रुपये में। अंडा 10 रुपये। ओके, टाइमिंग क्या है? ये शाम में 8 बजे बनता, रात में 4 बजे तक मिलता। शाम 4 बजे तक मिलता? हाँ शाम में 8 बजे। ओके, तो अब जो है डिकाशन भी हो गई। डिकाशन और चाय होने के बाद और एक इम्पोर्टेंट काम रहता, मालूम? बिल देना रहता। बिल नहीं दिया तो प्लेट आम धोना पड़ता। अभी यहाँ प्लेट यूजिंग तो है, उसके वास्ते क्या करना पड़ता? यूजिंग तो को धो नहीं सकते, नहीं बोले तो रात में 4 बजे तक रुकना पड़ता भगोना धोने के वास्ते। इसलिए जो है पैसे देखे निकलेंगे। तो हम लोग का फाइनली खाना खत्म हो गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है सारी चीजें हो गई। आलू भात का टेस्ट माशाल्लाह ऑन पॉइंट, ब्लैक टी जो थी परफेक्ट थी एकदम, और चाय कैसी है मेरे को तो टेस्ट नहीं मालूम क्योंकि मैं चाय यहाँ पे नहीं पिया। और प्राइसेस भी आप लोगों को बताया, अगर याद भी नहीं रहा है और एक बार से जानना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मेंशन किया हूँ। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताओ। क्या आप लोगों ने यहाँ का आलू भात कभी ट्राई किया है, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करो फटाफट से। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।